सलमान खान ने वैलेंटाइन वीक पर किया नया गाना रिलीज। आइए जानते हैं कैसा है नयो लगदा गाना। बॉलीवुड के दबंग कहने वाले सलमान खान आगामी फिल्म किसी का भाई किसी का जान को लेकर बेहद ही तैयार है। जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे पहले यही टीजर को दिखाया गया था और सलमान खान ने अभी फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है। गाने का नाम है नयो लगदा। बीते दिन इस गाने का टीजर सामने आया था जिसके बाद से ही फैंस को फुल सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार था। अपने चाहने वालों के एक्साइटमेंट देखते हुए सलमान खान ने ये गाने को फाइनली रिलीज कर दिया है। सलमान खान ने इस गाने को बड़ी प्लानिंग के साथ रिलीज किया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और हम सबको पता है कि ये एक वैलेंटाइन वीक है कि इस वैलेंटाइन वीक में वो अपनी महबूबा को एक अच्छे रोमांटिक गाने से इम्प्रेस कर सके और सलमान खान इसी के कारण इस गाने को रिलीज किया है। गाने में सलमान खान और पूजा हेगड़े का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है। गाने में जब आप देखेंगे तो लोकेशन से लेकर सलमान के लुक तक हर कुछ बहुत ही परफेक्ट है। सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी भी काफी फ्रेश और अच्छी नजर आ रही है। यहाँ तक कि नया लगदा गाने में मशहूर सिंगर पलक मुच्छल और कमाल खान ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है। वही इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। बता दें कि सलमान खान की कई फिल्मों में हिमेश संगीत दे चुके हैं। रिलीज होने के साथ ही ये रोमांटिक नंबर लोगों के जुबान पर चढ़ गया है। बता दें कि कुछ ही घंटों में ये गाने को यूट्यूब पर 12 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका था। जबकि बात करें हम अभी तक तो ये गाने को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। वही गाने पर 7 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुकी है। इस गाने में सलमान खान बड़े बालों में रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। वही पूजा काफी खूबसूरत लग रही है। गाने के जो बोल है वो लिखे है शब्बीर अहमद ने, जबकि गाने को कोरियोग्राफ किया है सबीना खान ने। सबीना खान का काम थोड़ा गाने में आपको निराश कर सकता है। जी हाँ, गाने की कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी। फिर भी अच्छी है, गाना काफी अच्छा है, रोमांटिक ट्रैक है, आपको बेहद पसंद आएगा। इस गाने पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। फैंस इस गाने के कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना बड़ा हिट हो चुका है। वैसे भी सलमान खान बॉलीवुड में प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ना ही कोई न्यूडिटी सीन रहता है, ना कि ऐसा कोई ऑकवर्ड सीन रहता है जो हमें फैमिली के साथ ये फिल्म देखने में हिचकिचाहट हो। गौरतलब है कि सलमान खान लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। हालांकि कोविड के बाद उनकी दो फिल्में आई है, अंतिम और पठान, लेकिन इन दोनों में जस्ट एक कैमियो था। अंतिम में सलमान खान का अच्छा खासा रोल था, लेकिन वो भी एक एक्सटेंडेड कैमियो ही कहेंगे। और अब फाइनली किसी का भाई किसी का जान फिल्म ईद पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म को जो डायरेक्शन दिया है वो फरहाद सामजी ने दिया है। बता दें कि फरहाद सामजी पहले भी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये गाना और आप कितने एक्साइटेड इस फिल्मों को लेकर, हमें जरूर बताएं। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 से करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो, लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेकुंडम पुरुमला का हिंदी रीमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी।
किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले है। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पांस देखकर मेकर्स ने वीएफएक्स में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्ट्रेस साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नया पार लगा देगी।
तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटमपुरमला का हिंदी रीमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था, तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले है। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्टर साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे है। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे है। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है
कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना इजी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। कश्मीर की वादियों में एक दूजे के प्यार में डूबे नजर आएंगे सलमान खान पूजा हेगड़े। जाने कब होगा फिल्म किसी का भाई किसी की जान के इस सॉन्ग का धमाका। इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते 25 जनवरी को सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर बड़े पर्दे पर रिलीज किया था, वह भी शाहरुख खान के साथ। जैसे ही ये टीजर पर्दे पर देखा गया, लोग चिल्लाहट के साथ सीटी तालियों से इस फिल्म के टीजर का स्वागत किया। लोगों को इस फिल्म के टीजर में देखने को मिला सलमान का लुक बेहद ही पसंद आया है। लंबे बालों में सलमान खान बेहतरीन लुक में देखने को मिले हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि सलमान खान इस टीजर में तीन लुक में नजर आए, एक डैशिंग और हैंडसम शूट में, सेकंड लंबे बालों में और थर्ड साउथ इंडियन लुक में, और ये तीनों ही लुक में सलमान काफी जचते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इस टीजर के रिलीज के बाद फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जल्द रिलीज किया जाएगा। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम इस सॉन्ग के बारे में जानें तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जिसमें आपको पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस सॉन्ग की शूटिंग कश्मीर के वादियों में की गई है जहां सलमान और पूजा एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें इस सॉन्ग के रिलीज को लेकर, तो सॉन्ग के रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग को फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद ही रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर के बाद रिलीज होने वाला ये फर्स्ट सॉन्ग होगा। दोस्तों कहानी काफी मजबूत बताई जा रही है और इस फिल्म में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा जिसकी झलक आपने टीजर में ही देख ली होगी। वैसे दोस्तों बता दें कि इस टीजर की रिलीज के बाद कई कैरेक्टर ऐसे नजर आए हैं जिसे जानने के बाद लोग अपने अजम्पशन लगा रहे हैं, जैसे पूजा हेगड़े का। वैसे आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म में साउथ एक्टर वेंकटेश भी देखने को मिलेंगे, तो अब बताया जा रहा है कि वेंकटेश इस फिल्म में पूजा हेगड़े के भाई का किरदार निभाएंगे। वही इस फिल्म में सलमान की हीरोइन रह चुकी भूमिका चावला भी नजर आएंगी जो वेंकटेश की पत्नी का किरदार निभा सकती है। अब देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन सलमान और पूजा के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब है। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट फरहत सामजी ने किया है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। वही वेंकटेश, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और शहनाज गिल जैसे कलाकार भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिल्म के फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से आई बड़ी खुशखबरी, जाने फिल्म को लेकर क्या है नई अपडेट। लगातार सलमान खान के बर्थडे के बाद फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर बातें हो रही हैं। फैंस को इस फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि सलमान के बर्थडे के मौके पर वह ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान से सलमान कुछ रिलीज करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हम इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर सलमान ने अपने बर्थडे के दिन फिल्म किसी का भाई किसी की जान से क्यों कुछ रिलीज नहीं किया और क्या है फिल्म से जुड़ी नई अपडेट। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगले साल सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आएंगे और उनका एक छोटा सा कैमियो फिल्म पठान में भी है, तो वो फिल्म पठान में भी देखने को मिलेंगे जो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। लेकिन अब हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है जिसे अब जल्द पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म की शूटिंग जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी, यानी कि फिल्म का शूटिंग पोर्शन कम्प्लीटली हो जाएगा और बाकी का जो काम रहेगा वो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा जिसे जनवरी के एंड के बाद शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यही वजह रही थी कि सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपने बर्थडे के मौके पर कुछ रिलीज नहीं किया। हालांकि हम ये श्योर नहीं है, लेकिन यही वजह हो सकती है। वैसे बता दें कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हमेशा की तरह सलमान खान एक नई जोड़ी के साथ नजर आएंगे और इस बार उनकी अपोजिट होगी पूजा हेगड़े। सलमान की फिल्म में हमेशा से रहा है कि जब भी वो कोई नई फिल्म करते हैं उनकी फिल्म में कोई नई एक्ट्रेस होती है जिसके साथ उन्होंने पहले कभी काम न किया हो, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि वो पूजा हेगड़े संग नजर आएंगे और यह पहली बार होगा। वैसे बता दी कि पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और वेंकटेश जैसे कलाकार भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो ईद पर रिलीज होने जा रही फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। MG, 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 MG,
जर्नी बहुत पावर थी, बहुत एक्सपीरियंस मिला मेरे को तो नहीं क्या, बहुत आड़ी आड़ी ट्रिप चालू थी जिंदगी में, और ये जर्नी को मैं भरनी में पैक करना चाहता। जोर का, जोर का। वो कितना जोर से बोलूं भैया, पानी पानी पी लीजिए, पानी पी तुम्हारा प्यार यार, बाकी कुछ नहीं। दो सेकंड है भाई लोग, दो सेकंड। नहीं सच्ची में मेरे को ऐसा स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई नहीं क्या, तो मतलब ये भी, ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलब फटे से नहीं क्या, अनएक्सपेक्टेड था तो। पर ऐसा सीन था कि मम्मा एक तो तू जितना मांगता एक तो मैं जितना मांगता, हम लोग ने घर में सोच डाले थे नहीं क्या, वो घर में बिठाए थे तभी, तो मतलब मेरा भाई उसको अल्लाह भी कामयाबी दे, पर मैं वो किधर तो भी थोड़ा ये हो रहा नहीं क्या। लगता जैसे आप जीते हैं वैसे आम लोगों का प्यार ही जीत गया है जो आपके साथ एक आम हार।
देखने गए तो बहुत बहुत कुछ चीज़ों की जीत हो गई थी मैं रैप कम्युनिटी की, मतलब बहुत कुछ लोग, और मतलब जितने भी गली बिल्ले बस्ती वाली पब्लिक है, क्या बोलते पब्लिक, वड़ा पाव वड़ा पाव, अक्षय पटेल रखे ढकेल, तो मेरे को ऐसा लगता क्या मालूम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो शायद से लोगों को नहीं क्या पसंद आई, मेरी एक दो चीज़ें रहेंगी शायद से, क्या मालूम अभी मेरे को मालूम नहीं किया क्या पसंद आया, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है आप लोग का प्यार है भाई लोग आप लोग हाँ वो बहुत भलता क्वेश्चन है ये लाला मेरा बहुत भलता विषय था, मतलब नहीं कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत एड भग रहा था कि नहीं कि स्टार्टिंग में मैं ऐसा था कि डे वन पे नहीं कि सब लोग उठ के नाच रहे, तो मैं ऐसा था कि यार क्या विषय, मेरे को लगा रूल है नहीं क्या वो, तो मैं बोला यार मेरे को बहुत अलग फील हो रहा नहीं क्या ब्रो इधर, मेरे को डे वन से बहुत अलग फील होने लगा, एक दो हफ्ते हो गए, फिर साहिद सर नहीं क्या आप ले साहिद सर अपना शिव भाई ये लोग अब इन लोग ने क्या, फिर मेरा दिल लगने लगा थोड़ा थोड़ा, पर मेरे को समझने का नहीं क्या क्या चालू है क्या नहीं, पर अभी मतलब एंडिंग में आके समझा, अभी घर पे जाने का था तो कॉन्ट्रैक्ट का विषय था ना, तो घर पे नहीं जाने दिए, तो फिर मैं बोला उम्मीद ही छोड़ डालता अभी नहीं कि जिधर तक जा रहे उधर तक क्या विषय, अभी लोग का प्यार है बाकी कुछ नहीं। अभी हाल ही में आके लोग वहां पर खड़े थे विंडो पर, आपसे भी गैलरी जैसा जो स्टेज था वहां खड़े थे, वहां शायद आपने पहली बार बोला था हां मुझे जीतना है, क्या वो हां मेरे को सही में ऐसा लगता है कि बोलने से मतलब नहीं होता ना कि स्टार्टिंग से बहुत पब्लिक बोल रही है अरे मेरे को जीतने का है मेरे को जीतने का है मेरे को जीतने का है, मैं ऐसा था कि अपने पे नहीं मेरे अपने हाथ में नहीं था ना वो, मतलब वो अपने नहीं क्या अपने हिंदुस्तान के हाथ में था बाकी कुछ नहीं, तो ऐसे सीन था कि पब्लिक के हाथ में वो मैं जीतना, तो मैं अगर बोला रहता बार बार अरे मेरे को जीतने का है तो मतलब क्या हो, मेरे को खुद को लेम लगा रहता कि अरे क्या बोल रहा मैंने क्या ये क्या चीज़ है। और एक टाइम ऐसा आया था कि शिव और मेरी डिस्कशन भी हो गई थी, हम लोग बात कर रहे थे कि बाय बोले नहीं क्या कि एक तो तू जीतना मांगता एक तो मैं जीतना मांगता, तू डायरेक्ट ऐसा बोलता कि अरे नहीं मेरे को नहीं जीतने का है मेरे को घर पे आने का है, ब्रो ऐसा मत बोल अभी जब तक है इधर तब तक तू ये तो कर, भाई को मैं नहीं क्या शिव भाई ने मेरे को बहुत हक से बहुत संभाले लिया, अभी वो किसको मालूम नहीं हम लोग घर में कैसे रह रहे थे कैसे, शिव को लेके कितना डिसअपॉइंट हुआ ब्रो यार पर ये पर्सनैलिटी का शो था शायद से नहीं क्या, मतलब वो बहुत वो शो बहुत अलग चीज पे आधार था, और अपना भाई बहुत नेक दिल ऐसे नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है वो डिजर्व करने का ट्रॉफी ब्रो नहीं क्या, मेरे से आधा भी कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में वोट्स के वजह से शॉर्ट हो गया अभी भाई, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता ना लाला, अंकित ने कहा कि अगर स्टैंड ट्रॉफी डिजर्व करता है तो मैं भी रियल था मैं भी डिजर्व करता। हाँ वो तो सब करते ना वैसे देखने गए तो, मतलब 16 के 16 लोग कर रहे थे फिर 16 ट्रॉफी थोड़ी बने ली, मतलब वैसे देखने गए भाई बहुत लोग क्या मतलब बहुत लोग के खंधे पे नहीं क्या हिप हॉप ऐसा नहीं है, बादशाह भाई हो गए हनी भाई हो गए नहीं बहुत लोग डिवाइन डिवाइन हो गए अपने भाई लोग उनके भी बहुत कंधे पे, लेकिन क्या मालूम जितना मेरे से फैलाना हो रहा भाई, मतलब नहीं कि आपले स्लैंग बिंग में बोल के नहीं क्या अपने वाली पब्लिक को कनेक्ट करके नॉर्मल लोग को कनेक्ट करके जितना भी मैं फैला सकता फैला शो में भी, मतलब मैं वो मोटो से ना आया था मम्मा ने क्या देखने गए तो हाँ उधर क्या काम है ब्रो घर में क्या मतलब सिर्फ बात करे ले ना 4 महीना ब्रो भाई तो बात ही करा मैंने भी बोला अभी लो उड़ते उड़ते तीर ले रहे तो उड़ते उड़ते बात ही करता नहीं क्या अभी मैं क्या करूँ भाई मैं क्या मेरे को नहीं मालूम क्या करने का रहता पहली बात अंदर नहीं क्या मतलब बहुत लोगों ने बोले मतलब झगड़े आप अपने से काफी नहीं मतलब मेरे को ऐसे लगता मतलब झगड़े कर हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है
मेरे को भी गर्लफ्रेंड है, मेरी भी आर्मी क्या नहीं 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 एक टाइम पे कैसा होता भाई तुमको भी मालूम रहेगा, एक टाइम पे अपन आके नहीं क्या मतलब वो आंसू बिसू निकलने का बंद हो जाता नहीं क्या, अपन पेनलेस हो जाते, नम हो जाते, तो दिन पे दिन मेरे थोड़े वीक्स पे वीक्स नहीं क्या थोड़ा वो वाले शॉर्ट हो गए, बाथरूम में रहने का अकेले में जाके, लेकिन भलता विषय वो मतलब मंडली को लेके क्या क्या कुछ विचारधारा है आपकी आगे किस तरह से मंडली को लेके कोई गाना आएगा या फिर कुछ ऐसा आपकी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है आगे चल के? साजिद भाई भी है, अब्दू है, साहिद सर और मेरी बात बहुत बार हो गई भाई ने क्या कि मेरा वीडियो शूट करेंगे ऐसा वैसा नहीं क्या, सामने आपको सामने देख रहे ठीक है कैमरा यहाँ देखने का चलेगा बोला बोला भाई वो क्वेश्चन में भूल गया भाई मेरा बोल सवाल ये था बोल क्या है वो मराठी मध्ये एक मराठी मध्ये तिचा अंबई भी हिंदी मातृभाषा उसके साथ में मराठी सगळं माहिती काय विषय काय नाही पुणेकर काय सांगू आता नका तुम्हाला लय प्रेम लय लय तर काय सांगू यार मी गोष्ट आहे असं वाटतंय नाही का सांगू का नाही होत पण नको नको होते मला हा काय वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता सही में बहुत अलग मतलब उधर स्टेज पे तो ऐसा हो गया था क्या करूँ क्या नहीं हो गया था नहीं क्या मेरे को और रो के हंसू हो गया था नहीं क्या तो अभी भी क्या बोले ना भाई शाउट आउट टू कलर्स शाउट टू भाई ने क्या भाई ने मतलब जो क्लास लेने के ना भाई वो हक वाली क्लास थी नहीं क्या जिसको समझा उसको समझा था भाई अंदर टीम ने भी बहुत सपोर्ट करा और मतलब डिजर्विंग है ब्रो और फेस मतलब क्या मालूम भाई लोग अभी बताओ तुम लोग ही डिजर्व करते कि अभी मैं क्या बोलूँ पब्लिक को यार मेरे फैंस नहीं ऐसा कुछ नहीं था नहीं नहीं अनफेयर शॉट ही नहीं था हाँ हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ मैं मंडली से कांटेक्ट में रहना चाहूँगा नहीं क्या मतलब मेरे को बस हो गया नहीं क्या अभी तुम्हारे नवे नवे चेहरे दिख रहे थे अच्छा लग रहा थोड़ा वो चेहरे देख देख के मैं कंटल गया मैं क्या सीखा साइलेंस कौन सा एक सवाल पूछो एक सवाल जर्नी का बताएगा दैट्स इट जवाब दे जर्नी से ना बस बस बता रहे एक से एक स्लो बता रहे दादा तुम्ही जर्नी मध्ये बोला एक बस दैट्स इट दैट्स इट में बोल दो दैट्स इट प्लीज भाई लोग मैंने क्या मतलब मेरी जर्नी नहीं जितना सीखेला ना मेरे को वो बाहर वापरने को हैंगा रियल वर्ल्ड में नहीं क्या जो मेरी अम्मी अब्बा मेरे को बताने के ना वो भाई भी मेरे को सेम चीज़ बताने के इसलिए हिट होने की मेरे को नहीं क्या और चीज़ एक और चीज़ नहीं बोलने का सीखा मैं किसको नहीं नहीं बोलते आता था मेरे को नहीं और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बहुत नहीं बोलने का सीखा मैंने मेन तो नहीं क्या अगर देखने का तो मेरे दोस्त लोग पूछने के ना पैसे वैसे क्या विषय नहीं क्या मैं नहीं बोल पाता था किसको वो बोलने का सीखा बाकी तुम्हारी दुआ यार थैंक यू सो मच हाँ अलहमदुल्ला दुआ से तुम्हारी आपकी दुआ से ठीक है अलहमदुल्ला कौन सा रैप करूँ बोलो ना अच्छा ओके आयका ना आयका बोलिए चेक माइक चेक कान चेक बस्ती का हस्ती क्या नाम वाले सुनाओ
मेरे गानों पे सुनो ना भाई लोग, मेरे गानों पे हाथ बढ़ती है, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती है, मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो देखे लोग की भर्ती में गर्दिश में भर्ती। आवाज़ थोड़ी अलग आ रही, हो गई सर्दी, पीटाउन से बीटाउन तक अपनी चलती। तुम गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता। बिग फैन ब्रो, आप दोनों ने दिल जीता। और कौन सा बड़ा सपना जो दोनों खड़े थे ना साथ? भाई वो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा सपना वही था भारत का। आप दोनों धीरे 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 धीरे, क्या बात है। सलमान खान ने वैलेंटाइन वीक पर किया नया गाना रिलीज। आइए जानते हैं कैसा है नयो लगदा गाना। बॉलीवुड के दबंग कहने वाले सलमान खान आगामी फिल्म किसी का भाई किसी का जान को लेकर बेहद ही तैयार है। जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे पहले यही टीजर को दिखाया गया था और सलमान खान ने अब ये फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है। गाने का नाम है नयो लगदा। बीते दिन इस गाने का टीजर सामने आया था, जिसके बाद से ही फैंस को फुल सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार था। अपने चाहने वालों के एक्साइटमेंट देखते हुए सलमान खान ने ये गाने को फाइनली रिलीज कर दिया है। सलमान खान ने इस गाने को बड़ी प्लानिंग के साथ रिलीज किया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और हम सबको पता है कि ये एक वैलेंटाइन वीक है, कि इस वैलेंटाइन वीक में वो अपनी महबूबा को एक अच्छे रोमांटिक गाने से इम्प्रेस कर सके, और सलमान खान इसी के कारण इस गाने को रिलीज किया है। गाने में सलमान खान और पूजा हेगड़े का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है। गाने में जब आप देखेंगे तो लोकेशन से लेकर सलमान के लुक तक हर कुछ बहुत ही परफेक्ट है। सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी भी काफी फ्रेश और अच्छी नजर आ रही है। यहाँ तक कि नया लगदा गाने में मशहूर सिंगर पलक मुच्छल और कमाल खान ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है, वही इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। बता दें कि सलमान खान की कई फिल्मों में हिमेश संगीत दे चुके हैं। रिलीज होने के साथ ही ये रोमांटिक नंबर लोगों के जुबान पर चढ़ गया है। बता दें कि कुछ ही घंटों में ये गाने को यूट्यूब पर 12 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका था, जबकि बात करें हम अभी तक तो ये गाने को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। वही गाने पर 7 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुकी है। इस गाने में सलमान खान बड़े बालों में रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। वही पूजा काफी खूबसूरत लग रही है। गाने के जो बोल है वो लिखे है शब्बीर अहमद ने, जबकि गाने को कोरियोग्राफ किया है सबीना खान ने। सबीना खान का काम थोड़ा गाने में आपको निराश कर सकता है। जी हाँ, गाने की कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, फिर भी अच्छी है। गाना काफी अच्छा है, रोमांटिक ट्रैक है, आपको बेहद पसंद आएगा। इस गाने पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। फैंस इस गाने के कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना बड़ा हिट हो चुका है। वैसे भी सलमान खान बॉलीवुड में प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ना ही कोई न्यूडिटी सीन रहता है, ना कि ऐसा कोई ऑकवर्ड सीन रहता है जो हमें फैमिली के साथ ये फिल्म देखने में हिचकिचाहट हो। गौरतलब है कि सलमान खान लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। हालांकि कोविड के बाद उनकी दो फिल्में आई है, अंतिम और पठान, लेकिन इन दोनों में जस्ट एक कैमियो था। अंतिम में सलमान खान का अच्छा खासा रोल था, लेकिन वो भी एक एक्सटेंडेड कैमियो ही कहेंगे। और अब फाइनली किसी का भाई किसी का जान फिल्म ईद पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म को जो डायरेक्शन दिया है वो फरहाद सामजी ने दिया है। बता दें कि फरहाद सामजी पहले भी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये गाना और आप कितने एक्साइटेड इस फिल्मों को लेकर, हमें जरूर बताएं। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में।
लगेगी इंडस्ट्री की नया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो, लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटम पुरमवाला का हिंदी रीमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, उसे देख कर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था, तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते है। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्टर साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है
चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजाक कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नैया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो, लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नैया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटम का हिंदी रिमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले है। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट,
और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे। और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्टर साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजाक कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। कश्मीर की वादियों में एक दूजे के प्यार में डूबे नजर आएंगे सलमान खान पूजा हेगड़े। जाने कब होगा फिल्म किसी का भाई किसी की जान के इस सॉन्ग का धमाका। इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते 25 जनवरी को सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर बड़े पर्दे पर रिलीज किया था, वह भी शाहरुख खान के साथ। जैसे ही ये टीजर पर्दे पर देखा गया, लोग चिल्लाहट के साथ सीटी तालियों से इस फिल्म के टीजर का स्वागत किया। लोगों को इस फिल्म के टीजर में देखने को मिला सलमान का लुक बेहद ही पसंद आया है। लंबे बालों में सलमान खान बेहतरीन लुक में देखने को मिले हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि सलमान खान इस टीजर में तीन लुक में नजर आए, एक डैशिंग और हैंडसम शूट में, सेकंड लंबे बालों में और थर्ड साउथ इंडियन लुक में, और ये तीनों ही लुक में सलमान काफी जचते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इस टीजर के रिलीज के बाद फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जल्द रिलीज किया जाएगा। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम इस सॉन्ग के बारे में जानें तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जिसमें आपको पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस सॉन्ग की शूटिंग कश्मीर के वादियों में की गई है जहां सलमान और पूजा एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें सॉन्ग के रिलीज को लेकर, तो सॉन्ग के रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग को फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद ही रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर के बाद रिलीज होने वाला ये फर्स्ट सॉन्ग होगा। दोस्तों कहानी काफी मजबूत बताई जा रही है और इस फिल्म में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा जिसकी झलक आपने टीजर में ही देख ली होगी। वैसे दोस्तों बता दें कि इस टीजर की रिलीज के बाद कई कैरेक्टर ऐसे नजर आए हैं जिसे जानने के बाद लोग अपने अजम्पशन लगा रहे हैं, जैसे पूजा हेगड़े का। वैसे आप जानते होंगे कि इस फिल्म में साउथ एक्टर वेंकटेश भी देखने को मिलेंगे, तो अब बताया जा रहा है कि वेंकटेश इस फिल्म में पूजा हेगड़े के भाई का किरदार निभाएंगे। वही इस फिल्म में सलमान की हीरोइन रह चुकी भूमिका चावला भी नजर आएंगी जो वेंकटेश की पत्नी का किरदार निभा सकती है। अब देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन सलमान और पूजा के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब है। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट फरहत सामजी ने किया है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। वही वेंकटेश, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और शहनाज गिल जैसे कलाकार भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिल्म के फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से आई बड़ी खुशखबरी, जाने फिल्म को लेकर क्या है नई अपडेट। लगातार सलमान खान के बर्थडे के बाद फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर बातें हो रही हैं। फैंस को इस फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि सलमान के बर्थडे के मौके पर वह ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान से सलमान कुछ रिलीज करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो दोस्तों आज हम इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर सलमान ने अपने बर्थडे के दिन फिल्म किसी का भाई किसी की जान से क्यों कुछ रिलीज नहीं किया और क्या है फिल्म से जुड़ी नई अपडेट। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगले साल सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आएंगे और उनका एक छोटा सा कैमियो फिल्म पठान में भी है, तो वो फिल्म पठान में भी देखने को मिलेंगे जो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। लेकिन अब हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है जिसे अब जल्द पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म की शूटिंग जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी, यानी कि फिल्म का शूटिंग पोर्शन कम्प्लीटली हो जाएगा और बाकी का जो काम रहेगा वो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा जिसे जनवरी के एंड के बाद शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यही वजह रही थी कि सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपने बर्थडे के मौके पर कुछ रिलीज नहीं किया। हालांकि हम ये श्योर नहीं है लेकिन यही वजह हो सकती है। वैसे बता दें कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हमेशा की तरह सलमान खान एक नई जोड़ी के साथ नजर आएंगे और इस बार उनकी अपोजिट होगी पूजा हेगड़े। सलमान की फिल्म में हमेशा से रहा है कि जब भी वो कोई नई फिल्म करते हैं उनकी फिल्म में कोई नई एक्ट्रेस होती है जिसके साथ उन्होंने पहले कभी काम न किया हो, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि वो पूजा हेगड़े संग नजर आएंगे और यह पहली बार होगा। वैसे बता दी कि पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और वेंकटेश जैसे कलाकार भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो ईद पर रिलीज होने जा रही फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताए। चलो वही तेरा मोबाइल। रुकिए आपके सामने सेंटर फहद। सोफी जी रुकिए गेट के पास रुकिएगा। सोफी मैम रुकिए। मैडम इधर। मैडम जी इधर। मैडम जी इधर देखिए। मैम वेट इधर लुक दीजिए। थैंक यू। सीमा जी आप पे। हाँ मैम हैप्पी दिवाली मैम। सीमा जी रुकिए ना बस। मैडम सीमा जी रुकिए ना मैम। हाँ भाई करीना मैम। क्या कर रहे तू भाई? खड़ा देना सीधा करेंगे आपके राइट में।
करीना जी आपके राइट, करीना जी यहाँ पर, करीना मैम, करीना मैम इधर देखिए ना, करीना जी आपके राइट में, करीना जी, करीना मैम वेट 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 मैम वेट, करीना जी, थैंक यू, थैंक यू मैम, मनीष सर इधर, मनीष सर आपके राइट सर, सर इधर लुक दीजिए ना, मनीष सर रुकिए रुकिए आपके राइट सर, अरे इधर करते ना मैम, आप ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, आदमी लोग पूरा पीछे मैम इधर रुके, बस 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 सर, मैम इधर अदर साइड, ए साइड इट ना भाई सर, मैम इधर स्टार्ट फ्रॉम हियर, योर लेफ्ट, योर लेफ्ट, थैंक यू, वेट 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 वेट, सुजन मैम, सुजन मैम, मैम सोलो इवेंट में, चलो गुरु सर रुकिए, सर यहां पे अंदर आ जाना पड़ेगा मैम, वो साइड कर दिया, चप्पल तेरा, बस 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 डाल दे देंगे, चप्पल में राइट, उधर भी राइट, सर लेफ्ट, सर लेफ्ट सेंटर, गुरु सर यहां पर, हां सर लेफ्ट भाई सेंटर, मैडम जी इधर देखिए ना, आकांक्षा मैम सेंटर, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी दिवाली भाई, आकांक्षा मैम थैंक यू, थैंक यू, जाने दो ना मैम, रुके ना, हाँ थोड़ा सही से, हाँ मैडम जी इधर देखिए, राइट में मैम, मैम राइट सेंटर में, लेफ्ट मैम, मैडम जी इधर इधर, थैंक यू, भावना जी भावना जी आपे आपे वही भी यहाँ पर मैम सेंटर, मैडम जी इधर देखिए, मैम टू लेफ्ट मैम, मैडम सामने सेंटर में देखिए, माइक जी थैंक यू, थैंक यू, क्या किने बेटा, इट्स माय कार, अरे आले 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 गाड़ी, आज थोड़ा बोल दो ना, अच्छा सब साथ में आ रहे हैं क्या, कौन कौन आ रहे हैं, एक एक सर रुके ना, साथ में रुके ना, करीना मैम, करिश्मा मैम सर साथ में, सर सर साथ में, हाँ सर इधर देखिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर, सर ले लो भाई, लो लो, यू गो इन योर कार, लो यू गो इन योर कार, सी यू, यस ओके, ले लो, मैं उस मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं, सर सर मैडम गोपाल भाई, गोपाल थोड़े बजे जाओ, बेबो बेबो सर, मैम रुकिए, एक मिनट, हां चलो रोहित तेरा मोबाइल, अमृता मैम, अमृता मैम, अमृता मैम कहां है मेरी गाड़ी, दे दे भाई, यू गोइंग भेजो, कहां बाय बाय अमोला, सी यू, सी बाय मलिक, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, बाय 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 बाय, आराम से चल चल, उधर चल, उधर चल, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, बाय बाय बाय, फहद साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड 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 गुरु भाई, थैंक यू, साइड प्लीज, थैंक यू,
मलाइका मैम, मैडम जी रुकिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्ल, वेट वेट मैम। दादा साइड जा, दादा साइड, दादा पीछे जा जा। हां का जी, ए वेट वेट मलाइका मैम, सेंटर। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे मैम। चलो पीछे चलते रहो, पीछे आ जा, पीछे आ जा। गाइस गाइस, वन सेकंड वन सेकंड। ओ भाई, मलाइका मैम। सोफी जी आपके सामने, सोफी लुक योर सेंटर। सोफी जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वो फहद चलो वही तेरा मोबाइल। एक मिनट मैम, थैंक यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बाय बाय अमोलस, सी यू सी यू, बाय मलिक। अरे फाकू, थैंक यू सब, थैंक यू। चलो चलो। क्या कर रहे मलाइका जी रुकिए, मलाइका जी वेट, मैडम जी रुकिए। बर्थडे गर्ल्स, एक मिनट रुकिए मैम, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे गर्ल्स, ये धक्का मत मार रहे, वेट वेट मैम। दादा साइड जाओ, पीछे दादा साइड जाओ ना, दादा पीछे चले जाओ, चले जाओ। हां मलाइका जी, मलाइका मैम, लेफ्ट मैम, सेंटर। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे मैम। मलाइका जी थैंक यू, मलाइका जी पीछे। उनकी जर्नी रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहोगे, प्लीज बताइए। तो अब वो शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने लोग आते हैं उन सब इन अ वेरी लाइट वे, इन अ वेरी फन मैनर सबकी बजाई जाती है थोड़ी, और सबसे थोड़ी अंदर की गॉसिप से निकलवाई जाती है। तो आई थिंक शो का सबसे फन पार्ट यही है कि किसी को भी हम कुछ भी बोल सकते हैं और वो भी उसको बहुत लाइट मैनर में लेते हैं। साथ ही क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको गेम कैसा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस का जो गेम है सभी के रिव्यूज बहुत अलग अलग आ रहे हैं, और रिसेंटली जो वीकेंड का वार हुआ है उसमें बहुत सारे खतरनाक जी तो ऑनेस्टली मुझे इतना बिग बॉस जितना अमेजिंग होता है हमेशा और जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतना अमेजिंग नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि कंटेस्टेंट ना स्टडी करके आए हैं पहले के सीजन्स, तो बहुत सारी सिमिलर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा फेक लग रहा है वो सब। बट ये वीकेंड का वार तो बहुत ही सॉलिड था, मतलब सलमान जी ने बहुत बैंड बजाई लोगों की, जैसे प्रियंका की भी बहुत,
बोला गया उनको कि वो सबके मामले में टांग अड़ाती है। सुम्बुल की बहुत क्लास हुई, तो आई थिंक ये बहुत हैवी था सबके लिए लेना, इवन एज अ व्यूअर आई फेल्ट इट वाज वेरी हैवी टू टेक। तो आई थिंक शो ओवरऑल फॉर मी इट्स नॉट वन ऑफ माय फेवरेट सीजंस, बट या इट्स गोइंग ओके, लाइक नथिंग ग्रेट फॉर मी। पर गौतम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज हाल ही में जब हमने गौतम से बात की है, गौतम का कहना ये था कि मुझे इस शो में रहना चाहिए था लेकिन मेरे सब काशा लगी हुई है, मुझे रोल ज़्यादा मिले। तो आपका क्या रिया? देखिए जब भी गौतम डेंजर जोन में थे, एलिमिनेशन नॉमिनेटेड थे, तो उनके साथ आई थिंक सौंदर्य और शालीन और टीना नॉमिनेटेड थे। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उनसे मिली थी शो अपना अपने शो पर, तो वो बहुत डिसबिलीफ में थे कि वो निकल गए हैं। एंड आई थिंक इवन आई थिंक गौतम शुडंट हैव गॉन, ही वाज आई थिंक वो सौंदर्या से तो बेटर थे गेम में भी अपने। सो इवन आई थिंक इट्स, मैं ये नहीं बोलूँगी गलत हुआ है या वोट्स मुझे उनको ज़्यादा है कम, वो मुझे नहीं पता ऑफकोर्स, बट हाँ उनको नहीं जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, लाइक दिस इज नॉट हिज टाइम टू लीव द शो। साथ ही सुम्बुल के रिसेंटली अभी हमने देखा है कि उनके डैड ने भी उनके लिए कुछ ना कुछ कहा है, जिस पर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स भी कर रहे हैं जी, और जितने भी लोग जो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपने व्यूज दे रहे हैं जी। आपका क्या कहना है? देखिए अभी ना इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक राइट नाउ, कि बोला गया उनको एक चीज़ बोली गई कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हैं, और उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज हर एज, आई थिंक दिस वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर हर टू गो फॉर बिग बॉस, शी इज़ वेरी यंग इन लाइफ राइट नाउ, उनको जाना नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रही हैं या वो, मैंने कुछ लोग होते हैं जो अपना अफेक्शन और केयर इस तरीके से जताते हैं सामने वाले के लिए, तो मे बी वो उनका अपना केयर और अफेक्शन दिखाने का तरीका है एज अ फ्रेंड। तो वो जो उसको, शी इज़ जस्ट 19 आई थिंक, वो ऑब्सेस्ड ये बोलना आई थिंक इट्स नॉट दैट राइट। मे बी शी लाइक्स हिम इन अ वे और अदर, एज इवन आई एम सच अ पर्सन, इफ आई हैव अ गाय फ्रेंड आई विल बी वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम, सो आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। मे बी इट्स जस्ट हर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन, उनका तरीका है प्यार और अफेक्शन जताने का। तो आई थिंक उसको ऑब्सेशन बोलना आई थिंक इट्स नॉट राइट। और यहाँ पर मैं शालीन को बोलना चाहूँगी कि आप बोल रहे हैं कि वो बच्ची है 20 साल की, तो आप तो 40 साल के बड़े आदमी हैं, आपको कैसे नहीं समझ आती चीज़ें? अगर आपको, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा जब भी सुम्बुल जाने लगती हैं आगे, जब उनसे बात नहीं करती, तो ये ज़बरदस्ती घूम के उसके पास आते हैं उनसे चिपकने, उनसे बात करने, क्यों? यू आर नॉट डम। तो शालीन जस्ट स्टॉप प्लेइंग योर गेम्स, इट्स नॉट एट ऑल वर्किंग एंड यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग नाइस आई थिंक आई वुड जस्ट से। टीना भी कम नहीं है, मैं भी दिख रही थी कल या परसों का एपिसोड था या वो प्रोमोज वाले, इसमें वो बोल रही है कि सुम्बुल ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, क्यों भाई? नाउ शी इज़ मेंटेनिंग हर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, तो आप अपना गेम खेलो ना, वो आपका स्टैंड क्यों ले? आप ही थे जिन्होंने इस चीज़ को इतना पोक कर करके सुम्बुल ऑब्सेस्ड है बनाया। सो नाउ जस्ट लेट हर प्ले हर ओन गेम, वो आपके लिए स्टैंड क्यों ले, मुझे समझ नहीं आता। एंड इवन सुम्बुल आई वुड, यू नो, शी नाउ हैज़ टू गेट बैक इन द गेम, बहुत हो गया रोना धोना, ये फॉरगेट इट, दिस इज नॉट अ डेली शो, यू प्ले योर ओन गेम, छोड़ दो। आपकी दोस्ती किसी को नहीं समझ आती है, छोड़ दो ना। और आई डोंट थिंक सो शी हैज एनी नीड टू गिव क्लैरिफिकेशन कि हाँ नहीं ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है, इट्स ओके, लेट एवरीवन थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक, यू जस्ट प्ले योर ओन गेम, राइट? एज वेल एज आपके किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं आप और क्या कुछ उनको रिवर्ट बैक कर रहे हैं? बिग बॉस पे तो मेरा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है बिमला, जो कि बिहार से आई है और कृष्णा की साफ सफाई करने वाली है, एंड शी इज़ अमेजिंग, आई एम इन लव विथ हर। ऐसा पहली बार ही मैंने कोई किरदार निभाया जिसमें मुझे एकदम वो भोजपुरी ऐसा लैंग्वेज में बात करना है, तो फॉर मी इट वॉज समथिंग वेरी न्यू। बट सिंस जो मैं पहले कैरेक्टर करती थी और जो ये नया कैरेक्टर है, तो जो मैं ऑडियंस के जो भी रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच दे आर लाइकिंग मोर, तो क्योंकि उन्होंने कभी मुझे करते हुए देखा भी नहीं है, और ये ना शी इज़ वेरी फन, कुछ भी बोल देती है, कृष्णा को भी कुछ भी बोल देती है, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग डूइंग विमला, इट्स समथिंग वेरी न्यू और बहुत सारी इसमें चीज़ें करने के लिए हैं आगे आगे भी जो हम प्लान कर रहे हैं। तो साथ ही बिग बॉस में राखी भी आई थी और साथ ही अर्शी खान भी आई, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस?
राखी के साथ तो हमेशा ही अच्छा ही रहता है, शी इज वेरी फन उनसे, मतलब उनको वो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोल रहे हो, वो सब कुछ बोल देती है, उनसे बोलना पड़ता है आप ये मत बोलो, आप ये मत बोलो. सो शूटिंग विद राखी इज ऑलवेज फन. और आशी को भी मैं आई ने वो बैठा पहली बार ही मैं सेट कर दी थी. Well, अर्शी की वो डायलॉग्स आपने क्या उसमें लिया था या नहीं कि आवाम देख रहा है हमेशा से हमने बिग बॉस में अर्शी के डायलॉग. हाँ मतलब अर्शी का ये डायलॉग आई थिंक इट्स प्रीटी, मैंने तो नहीं बोला था बट हाँ आई एम श्योर कृष्णा या किसी ने तो बोला ही होगा. तो काफ़ी फेमस है उनका डायलॉग, तो वो हो और वो डायलॉग ना बोला जाए ऐसा हो नहीं सकता, बोला ही गया होगा. Well, next elimination के लिए क्या कुछ preparations आपने की है, क्या कुछ धमाल देखने मिलने वाला है सर? Honestly, अभी हम लोग अच्छा जो लोग ये बोलते हैं ना बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, ये लोग पहले से डिसाइड करते हैं, तो मैं उन लोग को एक बात बता दूँ कि हम जो शो का एक पार्ट है मतलब जो एलिमिनेट होता है वो सबसे पहले हमारे पास आता है बिग बॉस पे, हम तक को एक मोमेंट पे नहीं बताया जाता है कौन एलिमिनेट हो रहा है. तो इट्स नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, मतलब हमें भी जब एलिमिनेशन हो रहा हो गया वहाँ चल रहा होता है तो हमें बोला होता है आप रेडी रहो कोई भी एलिमिनेट हो सकता है, और एंड मोमेंट तब हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तुरंत जो आता है बंदा एलिमिनेट होके उसके हिसाब से. तो ये ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड है हमें पहले से पता होता है, तो एटलीस्ट हमें भी कुछ पता नहीं होता, हम भी अनप्रिपेयर्ड सेट पर जाते हैं, जब वहाँ एलिमिनेशन अनाउंस होता है तो हमें यहाँ बताया जाता है कि ये एलिमिनेट हो गया है, फिर वहाँ तुरंत हमारे राइटर्स जो हैं अमेजिंग राइटर्स जो तुरंत तुरंत स्क्रिप्ट बनाते हैं और हम लोग उसे याद करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं. तो सब लोग हम हमारे शो से पहले हमेशा एटलीस्ट मैं तो बहुत नर्वस होती हूँ क्योंकि पता नहीं है कौन आ जाए और कौन कितने ख़राब मूड में बेचारे, जैसे जब गौतम आए थे वो बहुत अपसेट थे तो मुझे थोड़ा डर लगा था कि कुछ बोल देंगे तो बेचारा वो यू नो भड़क ना जाए या कुछ बोला नहीं, बट वेरी सपोर्टिव एनीवन. तो ऐसा ही होता है मतलब एंड मोमेंट प्रिपरेशन होती है, सो वी ऑल्सो डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हैपन एंड वॉट टू एक्सपेक्ट. फिर लास्टली ये जानना चाहेंगे अगर सलमान सर आते हैं बिग बॉस में तो क्या कुछ कर सकते हो आप, कुछ अमेजिंग जिससे सभी लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट. मैं तो अपने पूरे यूनिट को यही बोलती हूँ कि देखो सलमान सर हमारे यहाँ आए ना, लेकिन हमें तो एक बार ही सलमान सर के वहाँ जाना बनता है तो प्लीज़ हमें एक बार ही भेज दो. अब वो तो पता नहीं, वो तो चैनल का डिसीजन होता है जाते हैं कि नहीं, बट अगर जाते हैं ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता बिकॉज वो ही सो ही हैज दिस ऑरा जिनको देख के मुझे पता है मैं एकदम ऑस्ट्रा को जाऊँगी और मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी. तो इससे अच्छा कुछ प्लान करने की ज़रूरत ही, मतलब प्लान ही ना करूँ, वहाँ पर ही देखी जाएगी जो भी होगा. Well, lastly, any message to all the viewers? मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगी कि ऐसे ही हमारा शो बिग बॉस देखते रहिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हो शो को, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आपको एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू, थैंक यू सो मच. सलमान खान ने वैलेंटाइन वीक पर किया नया गाना रिलीज, आइए जानते हैं कैसा है नयो लगदा गाना. बॉलीवुड के दबंग कहने वाले सलमान खान आगामी फिल्म किसी का भाई किसी का जान को लेकर बेहद ही तैयार है. जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे पहले यही टीजर को दिखाया गया था और सलमान खान ने अब ये फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है. गाने का नाम है नयो लगदा. बीते दिन इस गाने का टीजर सामने आया था जिसके बाद से ही फैंस को फुल सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार था. अपने चाहने वालों के एक्साइटमेंट देखते हुए सलमान खान ने ये गाने को फाइनली रिलीज कर दिया है. सलमान खान ने इस गाने को बड़ी प्लानिंग के साथ रिलीज किया है. ये एक रोमांटिक सॉन्ग है और हम सबको पता है कि ये एक वैलेंटाइन वीक है, कि इस वैलेंटाइन वीक में वो अपनी महबूबा को एक अच्छे रोमांटिक गाने से इम्प्रेस कर सके और सलमान खान इसी के कारण इस गाने को रिलीज किया है. गाने में सलमान खान और पूजा हेगड़े का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है. गाने में जब आप देखेंगे तो लोकेशन से लेकर सलमान के लुक तक हर कुछ बहुत ही परफेक्ट है. सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी भी काफी फ्रेश और अच्छी नजर आ रही है. यहाँ तक कि नया लगदा गाने में मशहूर सिंगर पलक मुच्छल और कमाल खान ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है, वही इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है. बता दें कि सलमान खान की कई फिल्मों में हिमेश संगीत दे चुके हैं. रिलीज होने के साथ ही ये रोमांटिक नंबर लोगों के जुबान पर चढ़ गया है. बता दें कि कुछ ही घंटों में ये गाने को यूट्यूब पर 12 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका था, जबकि बात करें हम अभी तक तो ये गाने को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. वही गाने पर 7 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुकी है. इस गाने में सलमान खान बड़े बालों में रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं, वही पूजा काफी खूबसूरत लग रही है. गाने के जो बोल है वो लिखे है शब्बीर अहमद ने, जबकि गाने को कोरियोग्राफ किया है सबीना खान ने. सबीना खान का काम थोड़ा गाने में आपको निराश कर सकता है. जी हाँ, गाने की कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, फिर भी अच्छी है. गाना काफी अच्छा है, रोमांटिक ट्रैक है, आपको बेहद पसंद आएगा. इस गाने पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.
फैंस इस गाने के कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना बड़ा हिट हो चुका है। वैसे भी सलमान खान बॉलीवुड में प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ना ही कोई न्यूडिटी सीन रहता है, ना ही ऐसा कोई ऑकवर्ड सीन रहता है जो हमें फैमिली के साथ ये फिल्म देखने में हिचकिचाहट हो। गौरतलब है कि सलमान खान लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। हालांकि कोविड के बाद उनकी दो फिल्में आई है, अंतिम और पठान, लेकिन इन दोनों में जस्ट एक कैमियो था। अंतिम में सलमान खान का अच्छा खासा रोल था, लेकिन वो भी एक एक्सटेंडेड कैमियो ही कहेंगे। और अब फाइनली किसी का भाई किसी का जान फिल्म ईद पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म को जो डायरेक्शन दिया है वो फरहाद सामजी ने दिया है। बता दें कि फरहाद सामजी पहले भी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये गाना और आप इतने एक्साइटेड इस फिल्मों को लेकर हमें जरूर बताएं। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नैया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्क छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो, लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं हैं। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नैया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटपुरम वाला का हिंदी रीमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था, तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है
और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे। और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्टर साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नैया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नैया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटम का हिंदी रिमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले है। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है।
शाहरुख खान के साथ फिल्म में नई तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे है, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे है। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे। और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्ट्रेस साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। कश्मीर की वादियों में एक दूजे के प्यार में डूबे नजर आएंगे सलमान खान पूजा हेगड़े। जाने कब होगा फिल्म किसी का भाई किसी की जान के इस सॉन्ग का धमाका। इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते 25 जनवरी को सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर बड़े पर्दे पर रिलीज किया था, वह भी शाहरुख खान के साथ। जैसे ही ये टीजर पर्दे पर देखा गया, लोग चिल्लाहट के साथ सीटी तालियों से इस फिल्म के टीजर का स्वागत किया। लोगों को इस फिल्म के टीजर में देखने को मिला सलमान का लुक बेहद ही पसंद आया है। लंबे बालों में सलमान खान बेहतरीन लुक में देखने को मिले हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि सलमान खान इस टीजर में 3 लुक में नजर आए, एक डैशिंग और हैंडसम शूट में, सेकंड लंबे बालों में और थर्ड साउथ इंडियन लुक में, और ये तीनों ही लुक में सलमान काफी जचते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इस टीजर के रिलीज के बाद फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जल्द रिलीज किया जाएगा। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम इस सॉन्ग के बारे में जानें तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जिसमें आपको पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस सॉन्ग की शूटिंग कश्मीर के वादियों में की गई है जहां सलमान और पूजा एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें सॉन्ग के रिलीज को लेकर, तो सॉन्ग के रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग को फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद ही रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर के बाद रिलीज होने वाला ये फर्स्ट सॉन्ग होगा।
दोस्तों कहानी काफी मजबूत बताई जा रही है और इस फिल्म में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा जिसकी झलक आपने टीजर में ही देख ली होगी। वैसे दोस्तों बता दें कि इस टीजर की रिलीज के बाद कई कैरेक्टर ऐसे नजर आए हैं जिसे जानने के बाद लोग अपने अजम्पशन लगा रहे हैं, जैसे पूजा हेगड़े का। वैसे आप जानते होंगे कि इस फिल्म में साउथ एक्टर वेंकटेश भी देखने को मिलेंगे, तो अब बताया जा रहा है कि वेंकटेश इस फिल्म में पूजा हेगड़े के भाई का किरदार निभाएंगे। वही इस फिल्म में सलमान की हीरोइन रह चुकी भूमिका चावला भी नजर आएंगी जो वेंकटेश की पत्नी का किरदार निभा सकती है। अब देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन सलमान और पूजा के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब है। अब बात करें इस फिल्म की रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट फरहत सामजी ने किया है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। वही वेंकटेश, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और शहनाज गिल जैसे कलाकार भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिल्म के फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से आई बड़ी खुशखबरी, जाने फिल्म को लेकर क्या है नई अपडेट। लगातार सलमान खान के बर्थडे के बाद फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर बातें हो रही हैं। फैंस को इस फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि सलमान के बर्थडे के मौके पर वह ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान से सलमान कुछ रिलीज करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हम इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर सलमान ने अपने बर्थडे के दिन फिल्म किसी का भाई किसी की जान से क्यों कुछ रिलीज नहीं किया और क्या है फिल्म से जुड़ी नई अपडेट। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगले साल सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आएंगे और उनका एक छोटा सा कैमियो फिल्म पठान में भी है, तो वो फिल्म पठान में भी देखने को मिलेंगे जो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। लेकिन अब हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है जिसे अब जल्द पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म की शूटिंग जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी, यानी कि फिल्म का शूटिंग पोर्शन कम्प्लीटली हो जाएगा और बाकी का जो काम रहेगा वो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा जिसे जनवरी के एंड के बाद शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यही वजह रही थी कि सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपने बर्थडे के मौके पर कुछ रिलीज नहीं किया। हालांकि हम ये श्योर नहीं है, लेकिन यही वजह हो सकती है। वैसे बता दें कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हमेशा की तरह सलमान खान एक नई जोड़ी के साथ नजर आएंगे और इस बार उनकी अपोजिट होगी पूजा हेगड़े। सलमान की फिल्म में हमेशा से रहा है कि जब भी वो कोई नई फिल्म करते हैं उनकी फिल्म में कोई नई एक्ट्रेस होती है जिसके साथ उन्होंने पहले कभी काम न किया हो, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि वो पूजा हेगड़े संग नजर आएंगे और यह पहली बार होगा। वैसे बता दी कि पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और वेंकटेश जैसे कलाकार भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो ईद पर रिलीज होने जा रही फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। हेलो, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी मेरी अलग अलग इमोशंस के साथ रही है, बीट हैप्पी, बीट फ्रेंडशिप, बीट फीलिंग्स एंड सैड एट द एंड, या इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशंस। या क्या कुछ कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि आप इवेक्ट होने वाले हो, क्योंकि बाहर भी सभी ऑडियंस का बहुत बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस फ्राइडे कौन निकलने वाला है, क्या कुछ रिएक्शन आपका था जब आपको पता चला? मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या अचानक से, बिकॉज सलमान से स्टार्टेड प्लेइंग तो ही टुक अ नेम ऑफ शालीन, देन उन्होंने टीना का नाम लिया, फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से आज एविक्शन नहीं होगी तो आपका सोचना सही भी हो सकता है। पता नहीं मुझे ये चीज़ उन्होंने टेलीकास्ट में दिखाई या नहीं दिखाई, बट देन ही टुक माई नेम कि गौतम चलो, and everyone was like got that feeling ki aisa kuch nahi hai, it's just for fun. Even Sondhara ne bhi bola ki you know ki it's for fun, Salman sir please ye wo, so he said ki see if I come back, and tab tak sabko lag raha tha fun hai kyunki everyone was sitting, koi reaction nahi tha kisi ka bhi, because wo tha masti karte hain kai baar, and suddenly big boss ki awaaz aayi mujhe ki Gautam aapke paas kuch minute hain aur aap sabse vida lijiye aur main darwaze se bahar aaiye, and from there it's uske baad mere sath kya hua wahan se leke bar vanity tak I have no idea. I was shocked, I was surprised, I was freezed kyunki I was not expecting, but yeah it was a big moment for me. Yeah, jaanna ye bhi chahenge ki big boss ke ghar ke bahar aane ke baad puri schedule change ho jati hai, sabse zyada kya miss karte ho? Well, morning jaisi start hoti hai big boss ke ghar mein,
हाँ बिग बॉस के घर की चीज़ें आई थिंक चुगली जो सब करते थे आई थिंक दैट वाज द सी आई ऑलवेज हैड फन इनसाइड वी यूज्ड टू यू नो सिट ड्रिंक टी एंड यू नो हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टफ आई वाज कैप्टन ट्वाइस सो मैं सबको ड्यूटी एलोकेट्स करना और वो सब करना तो इट वाज अ काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आई हैड और बाहर आके मैं यही मिस करता हूँ कि इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग डिफरेंट इमोशन देयर वाज इनसाइड बट मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक वो क्लोजर नहीं मिला तो आई थिंक दैट्स द थिंग गॉट स्टक इनसाइड में कि वो क्लोजर नहीं मिला वो मिलना ज़रूरी था इसलिए बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज ऑल आई ऑल हैप्पी फन कदम क्या लगता है आपको निकलना चाहिए था कि और कोई कंटेस्टेंट्स भी निकल सकते थे क्योंकि और भी लोगों की उम्मीद थी कई लोगों के ट्वीट्स भी आए बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए कि गौतम नहीं निकलना ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं निकलूंगा एंड आई एम नॉट सेइंग विद अ प्राइड और एनीथिंग बट आई न्यू माई सेल्फ और मुझे पता था कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं या जो कुछ नहीं कर रहे वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर आई डोंट वांट टू से इट बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है तो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करता था अभी बाहर आना मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे एंड आउट ऑफ 4 नॉमिनेशंस बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग टीना टू गो आउट ऑफ द हाउस और सेकंड ऑप्शन वाज सौंदर्या बट नो वन वाज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊंगा और ऐसी चीज़ें होंगी बट ठीक है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर गया ऑफ कोर्स दे गोना बी हैप्पी दे गोना बी एंजॉय दैट थिंग या घर के बाहर आने के बाद क्या ऐसा लगा कि मेरी गलती कहीं ना कहीं ये थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए सी गलती नहीं बोलूँगा मैं आई थिंक इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम इट वॉज पार्ट ऑफ द प्रोसेस क्योंकि बाहर जब आप होते हैं तो आपको बहुत चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पे सुनाई देती हैं बट जब आप अंदर होते हो आपकी दुनिया वो 14-15 लोग ही होते हैं तो आप जो करते हो उस परस्पेक्टिव के हिसाब से सोचते हो जैसे हम बचपन में जो भी करते थे अपने माँ बाप के हिसाब से करते थे कि उनको बुरा ना लगे या उनको हम हर्ट ना करें कहीं ना कहीं चीज़ों में तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अंदर मैंने जो भी डिसीजंस लिए चाहे वो कैप्टनसी का था या वो टास्क में थे या कोई भी डिसीजन थे आई थिंक मैंने एज एन इंडिविजुअल आई वाज ट्राइंग टू प्ले फेयर मैंने प्रियंका के ऊपर अब्दू को भी चुना नॉमिनेशंस में बिकॉज मुझे लगी कि प्रियंका स्ट्रांग प्लेयर है ऑफकोर्स रिगार्डलेस मुझे बोला गया कि मैंने लैंडमाइन के ऊपर पैन रख दिया कि अब्दू की तरफ से मुझे हेटरेड मिलेगी आई वाज लाइक आई डोंट केयर साजिद खान की वर्डिंग थी आई वाज लाइक आई डोंट केयर क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया एंड गलत सही नहीं होता आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आप करते हैं हाँ मैंने मुझे आके बाहर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर मोस्टली कंटेस्टेंट्स को अंदर गाइडेंस दी गई वीक बाय वीक और एवरीथिंग लाइक 2 बार 3 बार 4 बार बट मुझे 7 वीक से सिर्फ कॉर्नर किया गया मुझे सिर्फ मुझ पर सिर्फ सवाल उठाए गए मेरी हर चीज़ को फेक बोला गया मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी मुझे किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि गौतम कि मुझे नहीं पता मैं क्या दिख रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी कितनी फुटेज दिख रही है नहीं दिख रही फ्रॉम वीक 1 आई गॉट नो आइडिया तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि सलमान सर वॉज दी ओनली वे ऑफ कनेक्शन विद ऑडियंस विद अस तो मुझे कहीं ना कहीं वो है डिसहार्टन्ड हूँ कि वो शायद मुझे कहीं ना कहीं एक लाइट अप कर सकते थे चीज़ों को लेके तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी और समझ आती एंड बिकॉज आई वॉज स्टक विद लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं कुछ करता था तो वो गलत होता था मैं कुछ नहीं करता था तो भी वो गलत होता था मैं किसी से बात करता था तो सौंदर्या को बुरा लगता था मैं कुछ और करता था तो किसी और को बुरा लगता था तो आई वॉज जस्ट इन बिटवीन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई नो आप अपने लिए खुद चीज़ें करते हो बट ठीक है आई थिंक हर बंदे को एक चांस होना चाहिए या एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए आई थिंक तो वो मुझे नहीं मिला कहीं ना कहीं सो या दैट्स व्हाई आई एम डिसहार्टेंड या साथ ही बीच में एक बार ऐसा हो गया था कि जहां आपको खुद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सभी का जो खाना है नॉल का सभी घर वाले एक तरफ हो गए थे और आप एक तरफ हो गए थे लेकिन सौंदर्या कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही थी क्या लगा आपको कि इस गेम में सभी एक ग्रुप बना के रह रहे थे और ऐसा कुछ था आई थिंक मेरा पहले से एक ही फंडा था कि मुझे ग्रुपिज्म नहीं चाहिए आई थिंक साजिद खान ने बोला भी कि टीवी एक्टर्स का एक ग्रुप है
एक जगह पे बोला भी एंड मैंने उन्हें सुनाया भी कि मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जाके ये बातें बोलेंगे कि व्हाट टीवी एक्टर्स ग्रुप, बिकॉज आई डोंट प्ले इन ग्रुप, आई डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप. मैं इंडिविजुअल आया था, मैं इंडिविजुअल खेलना था मुझे. सौंदर्य ने मेरे साथ रही, वो उन्होंने शी टुक अ स्टैंड एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बिकॉज ऑनेस्टली मैंने सौंदर्य को भी ये बात बोली कि जब मैंने वो डिसीजन लिया था आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू गोना स्टैंड नेक्स्ट टू मी. मैंने ये सौंदर्य को भी बोली थी बात, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था यार, दैट वॉज माई चॉइस. अगर वो नहीं भी होती साथ में मेरे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट उन्होंने साथ दिया एंड मैं दिल से बहुत उनको थैंक यू बोला मैंने. एंड अगले दिन भी वो आके उन्होंने पूरा काम किया, सब किया. तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उस चीज़ को एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करूँ. आई थिंक अगर उस चीज़ पे इतनी क्वेश्चनिंग नहीं होती, थिंग्स वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे आई थिंक. बट लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, तो हर सेकेंड डे वही चीज़ उठाई जाती थी, वही चीज़ें बोली जाती थी. और मुझे ग्रुपिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दी ओनली थिंग वॉज, आपने देखा होगा कई टास्क में बिग बॉस वॉज ऑल्सो बायस्ड विद साजिद खान एंड ग्रुप. आई डोंट नो वाई, क्यों ये सब चीज़ें हुई, बट मैंने जितना खेला, मैं वो इंसान हूँ कि मेरे सामने अगर 13 लोग भी होंगे तो मैं अकेला लड़ सकता हूँ. और जो कि मैंने कैप्टनसी के बाद भी किया, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी काम पेशेंट. लोगों ने कहा कि तुझे जवाब वापस देना चाहिए था, मुझे लगा था उस सिचुएशन में नहीं देना चाहिए. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो मेरी गलती है कि मैंने उनके राशन लिए हैं, तो एक आधा दिन के लिए आई नीड टू बी काम डाउन गौतम. एंड बिकॉज मैं कैप्टन भी था, मुझे सबसे काम भी करवाना था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी थी. क्योंकि एज आई सेड कि घर के अंदर एक अलग माहौल होता है और घर के बाहर एक अलग माहौल होता है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता. फ्रेंडशिप का तो मुझे कोई वो था ही नहीं यार. आई थिंक फ्रेंडशिप तो उस घर में बन ही नहीं सकती किसी की, वो जितने भी बनती है वो दूसरे टास्क बाद खत्म हो जाती है. मेरी जो खाली फ्रेंडशिप बनी थी वो निमृत से बनी थी. इनिशियल आई थिंक 20-22 डेज उन्होंने भी आके शिव को सपोर्ट करके उसको भी बिट्रे कर दिया उन्होंने. मेरी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बोला कि मुझे इनका सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि निमृत को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गौतम की प्रेफरेंस सौंदर्य हो गई है. तो मेरे लिए अगर आप वो ट्रेन वाला टास्क भी देखेंगे कि जहाँ पे मैंने निमृत को नहीं चुना, टीना को नहीं चुना, सौंदर्य को नहीं चुना, मैंने अर्चना को चुना, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप सबके साथ ही है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे कॉर्नर कर दोगे, कितना भी कॉर्नर कर दोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे दबाओ मत. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली वाज कि सौंदर्य बिकेम लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि अब वो भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिन लोगों ने हमारे लिए बातें की हैं या जिन लोगों ने हमें खराब पोर्ट्रे किया है, आप उनसे वो कनेक्शन या वो रिलेशन दोबारा मत करिए, उन्होंने उस सेंस में बोला. लेकिन मेरी एक इक्वेशन, एक बॉन्डिंग अलग थी, बीट निमृत, बीट टीना, बीट शालीन या बीट कोई भी हो, तो अगर मुझ पर वो थोड़ा सा और ट्रस्ट कर लेती तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मैं वो सोलो भी खेल जाता. और मुझे डर नहीं है यार किसी का, नॉमिनेशन से क्या ही डर है, मतलब अगर आपको भरोसा ही नहीं अपने पे तो लाइक व्हाई यू इन द गेम. सो ये मेरा सोचना है. फ्रेंडशिप ठीक है, होती हैं और टूटती हैं, दो दिन में होती हैं, दो दिन में टूटती हैं यार. तो बिग बॉस के घर में कोई दोस्ती नहीं टिक सकती. शालिन के साथ आपका कैसा बॉन्ड था, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा से हम देखते थे कि शालिन कहीं ना कहीं आपको पोक करते रहते थे, कुछ ना कुछ एक वर्ड या फिर कुछ कोई भी सेंटेंस यूज करते थे. शालिन के साथ वी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी गुड बॉन्ड. मेरा शालीन का बहुत अच्छा बॉन्ड था. वी शेयर्ड अ बेड ऑल्सो, बहुत अच्छा था. बट वो कहीं ना कहीं वो सौंदर्य के साथ क्लोज होने की कोशिश की उन्होंने. उन्होंने मुझे टीना का नाम भी बोला टू बी इन अ रिलेशनशिप विद टीना, जो मैंने उनको मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ही ये स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे ज़बरदस्ती का. और टीना के साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग थी, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. बट शालीन ने कहीं ना कहीं सौंदर्य के थ्रू मुझे हर्ट करना चाहा चीज़ों में. आई गेव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, बट दो दिन बाद उन्होंने वही सीन दोबारा किया. मेरा मानना है कि यार अगर आप दोस्त हो और सामने आप दूसरे फ्रेंड की आप उसे नीचा दिखाना चाहते हो या चीज़ें करना चाहते हो, तो देर इज़ नो फ्रेंडशिप. इट्स नॉट दोस्ती, इट्स नॉट अ बॉन्ड. आप जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करो, आपके एक्शंस बता देते हैं कि आप कितने पानी में हो. तो मुझे कहीं ना कहीं शालीन की तरफ से वो जस्टिफाइबल चीज़ें नहीं लगी थी. ये जानना चाहूंगी, टीना और
शालिन का जिस तरीके से रिलेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं सिंबल को भी बहुत बार बिग बॉस से आज वाले सलमान सर से भी बहुत सारी बातें हुई बताई गई, लेकिन फिर भी क्या लगता है सिंबल अपना गेम खेल रही है या फिर? मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल बच्ची नहीं है, जितना बोला जाता है वो बच्ची नहीं है. ऑफ कोर्स उनका एक टीनेज क्रश होता है, मे बी हुआ होगा वो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आई थिंक आप एक वो कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव सीन हर बिफोर ऑल्सो, तो मैं जानता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बट वो अपनी गेम नहीं बाहर लेके आ रही थी, या वो बहुत चुप थी, या वो एक शेडो की तरह सिर्फ शालिन के पीछे घूम रही थी. मैंने उनको फर्स्ट वीक से ये बात समझाई थी, उनके फादर ने भी उन्हें समझाई. अगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझ रही, ताली एक हाथ से नहीं बजती. अगर लोग कह रहे हैं कि शालिन की गलती है, तो गलती सुम्बुल की भी उतनी है, क्योंकि शी इज़ 19 एंड शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स. वो 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और उन्होंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोग देखे हैं, तो आई थिंक मे बी शायद ही उनकी गेम होगी, जो कि अब लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वो शहनाज गिल की तरह गेम खेल रही हैं, और लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं. बट आई थिंक अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो वो बहुत डम है, और अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है. आप जो भी करेंगी, जैसा भी करेंगी, वो पोट्रे आई थिंक बाहर आके उनको चीज़ें और रियलाइज़ होंगी. बट उनके फादर को जो बार बार बुलाया जा रहा है बीच में, और जो चीज़ें बोली जा रही हैं, मैंने भी वो फ़ोन कॉल सुना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप अपनी बेटी को समझाने के लिए आप किसी और के बेटे और बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ऑन अ नेशनल टीवी, विच वॉज़न करेक्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. एक समझाना और दूसरे को नीचे गिराने में बहुत फ़र्क होता है. आई थिंक जो उनके फादर ने कल किया, मुझे वो नहीं अच्छा लगा कहीं ना कहीं. रिगार्डलेस जैसे मर्जी हो टीना शालिन, यार एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेटी बच्ची नहीं है, और वो भी चीज़ें समझती है, इंडस्ट्री समझती है, उसको भी पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है और बाकी सब की गलती है. तो आई थिंक दैट वॉज अ रॉन्ग टेक फ्रॉम हर फादर साइड. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या बार दिखाया गया है. एक चीज़ जो मुझे सुनने में आई है कि मैंने बोला था इंटरव्यूज़ में कि जब स्टैन और इसका झगड़ा हुआ शालिन का, तो जब शिव ने उसका मुंह पकड़ा था, उसके बाद शालिन को दरवाजे के पास लेके गए थे, तो शिव उसकी तरफ बार चेयर लेके आया था, जो बड़ी वाली चेयर थी, वो उसकी तरफ चार्ज करने के लिए गया था, वो डराने के लिए लेके गया था वो, तो वो चीज़ नहीं दिखाई गई. और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो नहीं दिखाई गई, क्योंकि मेरे सामने वो इंसिडेंट हुआ था और मुझे पता है वो लेके गया था, और मैंने शिव से पूछा भी था कि शिव मुझे पता है कि तू इतना सेंसिबल है कि तू नहीं मारेगा जाके शालिन को, बट तू चेयर क्यों लेके गया, तू गाली दे रहा था उसको, यू आर सेइंग बैड स्टफ, और तू चेयर लेके उसको डरा रहा था. तो उसने मुझे बोला कि मैं सिर्फ डरा रहा था यार. तो ये चीज़ नहीं आई थिंक दिखाई गई, तो इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा आई थिंक कुछ हल्ला मचा वो वीडियो को लेके, बट वो चीज़ हुई थी अंदर, और वो प्रॉपर वो गया था किचन से लेके वहाँ तक, उसके ऊपर चेयर ऐसा लेके गया था वो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बहुत चीज़ें मेरे और सौंदर्या के बीच में बातें हुई हैं जो नहीं दिखाई गई, आई थिंक मेरे को जितना सुनने में आया. बाकी और क्या था, और आई डोंट नो और क्या नहीं दिखाया गया, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं दिखाई गई. वो मैंने अभी एपिसोड्स देखे नहीं, तो मुझे पता नहीं कि क्या दिखाया गया क्या नहीं दिखाया गया. सो मुझे जितना सुनने में आया, सो दीज वर द थिंग्स. या आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने स्टार्ट में कहा कि कहीं ना कहीं शालिन को भी कम वोट्स मिले थे, टीना को भी कम वोट्स मिले थे, लेकिन आप एलिमिनेट हुए हो, घर के बाहर आ पा रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से आपने कहा शिव के बारे में, चेयर का जो मूवमेंट हुआ है वो नहीं दिखाया गया, लेकिन अर्चना ने भी कुछ गलतियाँ की थी, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई गई थी और बाहर बहुत कुछ हुआ था. क्या लगता है बिग बॉस क्या किस तरीके से गेम खेल रहे हैं आपके हिसाब से, जिस तरीके से सभी चीज़ें हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं वोट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जितने वोटिंग के वो देखे हैं, जितनी चीज़ें देखी हैं, आई गॉट मोर वोट्स देन शालिन टीना, कई जगह तो सौंदर्य से ऊपर भी थे, बट शालिन टीना बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि टीना जाएंगी, बट वो मुझे निकाला गया. अर्चना के केस में बेसिकली जो हमारा उस समय भी पॉइंट था वो ये था कि अर्चना का जो मुद्दा था वो घर के अंदर का मुद्दा नहीं था,
वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, जो बाहर का एक चीज़ निकाली गई, शिव को पता होते कि ये करेक्ट नहीं है, शाम को वो बात हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने वो बात निकाली। सलमान सर ने भी बोला कि इट वॉज़ अ स्ट्रैटेजी जो वो प्लान किया गया, और अर्चना ने जब आपको पकड़ा, अगर आपको कोई भी पकड़ता है यार आपको गले से, तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप उसका हाथ हटाते हैं, जो कि उन्होंने वो वहीं खड़े रहे ताकि वो कैमरे पे रजिस्टर हो कि उन्होंने उसका गला पकड़ा है, उसके बावजूद भी वो फिर आगे आया उसको कि आ मुझे मार। तो इट्स क्लियरली शोज इट्स अ स्ट्रैटेजी राइट, और कि अर्चना ऑफकोर्स शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो वो चाहता था कहीं ना कहीं कि वो बाहर जाए। हमारा सिर्फ ये था कि अगर अर्चना बाहर गई है तो जिन्होंने उन्हें प्रवोक किया है, वो भी उस मुद्दे के लिए जिसके लिए उसने शाम को मना किया है, और उसने बार बार मना किया है कि वो नाम मत लो, वो चीज़ें मत करो, तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? वो इंसान एक नॉर्मल जस्टिस क्या है? अगर आप एक लड़की को बाहर भेज रहे हैं तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? और अब यही चीज़ जब स्टैन और उसके लिए हुई, अगर स्टैन को चार वीक की नॉमिनेशंस मिली है, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने चार्ज किया शालिन के ऊपर, शालिन की कोई गलती नहीं है क्योंकि स्टैन आए, स्टैन ने पहले गाली दी, स्टैन ने चार्ज किया, उन्होंने अपने बचाव में उसको पकड़ के लॉक किया, लेकिन शिव भी तो चेयर लेके गया था, शिव ने भी तो उनको डराने की कोशिश की, शिव ने भी गालियाँ दी, शिव ने भी सब किया, लेकिन शिव के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको अभी राजा भी बना दिया गया, तो उसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें हो रही? तो यही सबका मानना है कि मतलब वाई, मतलब इट्स वन साइडेड गेम, इट्स साजिद खान एंड ग्रुप गोइंग ऑन, एक साइडेड गेम चल रही है, आप उन्हीं को संचालक बना रहे हो, आप उन्हीं को पावर्स दे रहे हो, आप उन्हीं को सब कुछ कर रहे हो, उन्हीं तीन लोगों में से ये कहाँ कहा गया था कि साजिद खान को जब हम उनकी कैप्टनसी छीन सकते थे, और इन्होंने मुझे बाद में सुनने में आया कि सुम्बुल ने और टीना ने जाके उनको कहीं ना कहीं इशारे दिए कि किसके ऊपर टारगेट हो रहा है, किसके ऊपर चीज़ हो रही है, जो हमें नहीं बता दी चीज़ें, लेकिन उस समय ये बात कहीं नहीं बोली गई थी कि अगले कैप्टनसी के टास्क में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्यों लास्ट मिनट चीज़ हुई? ऑफकोर्स आप साजिद खान के ग्रुप में से वो तीन लोगों को करोगे तो वो उनके ग्रुप को ही चांस मिलेगा, उन्हीं को ही वो बचाएगा। निमृत बार बार बचे जा रही है, वो इसलिए बचे जा रही है क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। टीना भी बच गई इस बार क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये कहाँ फेयर गेम खेली जा रही है? इट्स ऑन फेवरेटिज्म। मतलब वो दिखने में दिख रहा है कि मतलब इट्स अंडरस्टूड कि आप ये तीन लोगों को दोगे तो साजिद खान के फेवर में ही चीज़ें जाएंगी, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग इट। और बाय डिफॉल्ट जो वो चार लोग बचे हैं, प्रियंका हो, अंकित हो, सौंदर्या हो या अर्चना हो, वो ही टारगेट होंगे, एंड दीज गाइज वॉन्ट देम टू बी आउट ऑफ द हाउस ताकि वो टॉप एट में अपने ही लोग हों, देन दे स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम। बट दिस इज क्लियर फेवरेटिज्म। मतलब बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, आई गॉट नो आइडिया। इफ आई गेट अ चांस टू गो इनसाइड, आई विल प्ले सोलो अगेन, एंड बीट इफ सौंदर्य इज इनसाइड और नॉट, आई विल मेक इट वेरी क्लियर, एंड आई विल स्क्रू एवरीवन्स हैप्पीनेस, बिकॉज मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं बाहर, बिकॉज आई स्टेड इनसाइड 50 दिन, आई नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैं दो बार कैप्टन भी रहा, और इट्स गोना बी हार्ड फॉर देम, ट्रस्ट मी। अगर मैं अंदर गया तो अभी आप अगर देखेंगे भी, कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि गौतम वाइल्ड कार्ड में आएगा, ये बात शिव ने भी 3 बार बोली है, ये अब्दू ने भी बोली है, ये टीना ने भी बोली है वैलिडेशन के ऊपर, जब शालिन उनको बोला कि सौंदर्य मुझसे वैलिडेशन मांग रही थी गौतम का, तो टीना ने बोला तुम क्यों बोल रहे हो ये बात, क्योंकि टीना कहीं ना कहीं जानती है कि गौतम सुन रहा है ये सब चीज़ें, और वो वापस आएगा तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीवन इन द हाउस, बिकॉज मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी से शर्म नहीं है, मैं आई एम नॉट इनसाइड टू प्लीज एनीवन, तो इट्स गोना बी हार्ड टाइम फॉर देम। आई थिंक दैट्स निमृत, कि वो गेम भी खेल रही है, वो ग्रुप में भी है, और उसे लग रहा है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट शी इज़ नॉट, शी इज़ जस्ट लुकिंग, वो सिर्फ ग्रुप है, पहले वो मेरे साथ थी, फिर मेरे सौंदर्य के साथ हुई, फिर वो टीना शालिन के साथ हुई, और उसके बाद उन्होंने शिव को पकड़ लिया, जो कि उन्होंने कैमरे पे बोला भी कि मैं शिव के सामने क्यों बुरी बनूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए उन लोगों का। अब वो शिव के ग्रुप में है, और आप देखिए वो बचे जा रही है, शी जस्ट गोइंग गोइंग गोइंग, उसका यही गेम है कि मुझे उसी ग्रुप में रहना है, और आई जस्ट वांट टू बी इन टॉप 5 और व्हाटएवर, तो दैट्स द गेम शी इज प्लेइंग। एक आखिरी सवाल, सौंदर्या के साथ रिलेशनशिप अब भी वैसा ही रहेगा जैसे बिग बॉस के घर में था, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी जब आप बिग बॉस के घर में थे
आपकी भी कुछ बातें बाहर आई थी जहाँ आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें की जा रही थी कि क्या वाकई सौंदर्या को ये पता है या नहीं पता है या फिर उनके साथ गेम खेला जाता है। सौंदर्या को सब कुछ पता है, मे बी शायद होगा ऑन कैमरा नहीं पता होगा, बट शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी माई पास्ट, आई नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट हर नाउ एंड बिफोर ऑल्सो, और अंदर वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। आई डोंट नो, आई यूज टू टेल हर ऑलवेज की लेट्स गो आउट एंड लेट्स सी, क्योंकि एक बाहर दुनिया है आपकी एक मेरी है, विल श्योरली विल सिट एंड टॉक अबाउट थिंग्स एंड विल श्योरली कंटिन्यू। तो डिपेंड्स वो कब बाहर आती हैं, कैसी उनको क्या चीज़ें बोली जाती हैं, क्या पोर्ट्रे होती हैं, उसके बाद ऑफकोर्स शी इज़ मिसिंग मी एंड आई एम मिसिंग हर राइट। इट वाज 50 डेज वी वर टुगेदर और सडनली यू जस्ट कट ऑफ हैं, और उनके पास मैंने देखा वीडियोज़ में शी स्टिल हैव, उनके पास कुछ मेरे कपड़े हैं, मेरा लॉकेट उन्होंने पहना हुआ है, मेरे कप में शी इज़ हैविंग कॉफ़ी एंड स्टफ एंड या, तो लेट्स सी। आई थिंक जब गैप आता है तो चीज़ें और अच्छी होती हैं, तो अब जब वो बाहर आएंगी तो विल श्योरली सिट एंड टॉक एंड डिस्कस थिंग्स अबाउट इट एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर हाउ थिंग्स विल गो। सी मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शिव एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग, प्लस ही हैव 3-4 पीपल हु सपोर्ट सपोर्टिंग हिम, जो चाहते हैं कि शिव विनर बने, ट्रॉफी उठाएं, तो आपके पास ऐसे लोग होते हैं तो ऑफकोर्स आपको कौन रोक सकता है। अगर टॉप 5 में 3 लोग आपके अपने हैं तो ऑफकोर्स दैट्स द थिंग, बट आई थिंक प्रियंका इज शी इज़ वेरी स्ट्रांग। अगर वो जो ऐसे पहली प्रियंका थी अगर वो वैसे ही खेलेंगी, अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, अपने मुद्दों पर रहेंगी, सो शी इज़ वेरी स्ट्रांग। अभी अंकित के बिना प्रियंका कैसे दिखेगी, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि हमने में से किसी ने भी नहीं देखा, कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट है अंकित उनका, और जब वो सपोर्ट खींचता है तो बहुत तकलीफ होती है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रियंका किसी के साथ भी उनकी कॉर्डियल टर्म्स नहीं है घर के अंदर, तो अंकित के अलावा वो मेरे साथ कई बातें शेयर करती थी, बहुत चीज़ें मेरे वी हैड अ गुड बॉन्ड, बट उन्होंने लास्ट में जो नॉमिनेशन में मेरे साथ किया आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रियंका, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो लेट्स सी कि अंकित के बिना वो क्या करेंगी और उसके बाद उनकी गेम दिखेगी, बट अभी तक आई थिंक इट्स शिव, क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ गुड गेम। अभी भी मैंने देखा रिसेंटली कैप्टनसी के टास्क में उन्होंने अपना महामंत्री अर्चना को बनाया, दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट गेम, कि जो पता आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा इंसान आप उसी को अपने पास रख लो एंड एवरीथिंग विल गो इन हिज फेवर आफ्टर, या सो या लेट्स सी। I'm just gonna say, yeah, guys, thank you very much. I'm very overwhelmed with the responses I'm getting. I'm still getting a lot of messages, a lot of likes from the people. आपने बहुत प्यार दिया मुझे जब मैं अंदर था, और बाहर आके भी मुझे बहुत मिल रहा है, एंड आई नो इट्स ट्रेंडिंग एवरी टाइम गौतम, वी वॉन्ट यू बैक एंड आई जस्ट वॉन्ट यू कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड इफ आई गो बैक श्योरली आई वॉन्ट लेट यू गाइज डाउन एंड अभी तक आप मुझे समझ ही गए होंगे एंड द गेम विल बी ऑन इफ आई गो इनसाइड एंड विल किल इट टुगेदर, या थैंक यू। सलमान खान ने वैलेंटाइन वीक पर किया नया गाना रिलीज, आइए जानते हैं कैसा है नयो लगदा गाना। बॉलीवुड के दबंग कहने वाले सलमान खान आगामी फिल्म किसी का भाई किसी का जान को लेकर बेहद ही तैयार है। जब पठान फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे पहले यही टीजर को दिखाया गया था, और सलमान खान ने अब ये फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है। गाने का नाम है नयो लगदा। बीते दिन इस गाने का टीजर सामने आया था, जिसके बाद से ही फैंस को फुल सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार था। अपने चाहने वालों के एक्साइटमेंट देखते हुए सलमान खान ने ये गाने को फाइनली रिलीज कर दिया है। सलमान खान ने इस गाने को बड़ी प्लानिंग के साथ रिलीज किया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, और हम सबको पता है कि ये एक वैलेंटाइन वीक है, कि इस वैलेंटाइन वीक में वो अपनी महबूबा को एक अच्छे रोमांटिक गाने से इम्प्रेस कर सके, और सलमान खान इसी के कारण इस गाने को रिलीज किया है। गाने में सलमान खान और पूजा हेगड़े का रोमांटिक अंदाज नजर आ रहा है। गाने में जब आप देखेंगे तो लोकेशन से लेकर सलमान के लुक तक हर कुछ बहुत ही परफेक्ट है। सलमान खान और पूजा हेगड़े की जोड़ी भी काफी फ्रेश और अच्छी नजर आ रही है। यहाँ तक कि नया लगदा गाने में मशहूर सिंगर पलक मुच्छल और कमाल खान ने अपनी मखमली आवाज से सजाया है, वहीं इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है। बता दें कि सलमान खान की कई फिल्मों में हिमेश संगीत दे चुके हैं। रिलीज होने के साथ ही ये रोमांटिक नंबर लोगों के जुबान पर चढ़ गया है।
बता दें कि कुछ ही घंटों में ये गाने को YouTube पर 12 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका था, जबकि बात करें हम अभी तक तो ये गाने को 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। वही गाने पर 7 लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुकी है। इस गाने में सलमान खान बड़े बालों में रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं। वही पूजा काफी खूबसूरत लग रही है। गाने के जो बोल है वो लिखे है शब्बीर अहमद ने, जबकि गाने को कोरियोग्राफ किया है सबीना खान ने। सबीना खान का काम थोड़ा गाने में आपको निराश कर सकता है। जी हाँ, गाने की कोरियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, फिर भी अच्छी है। गाना काफी अच्छा है, रोमांटिक ट्रैक है, आपको बेहद पसंद आएगा। इस गाने पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। फैंस इस गाने के कमेंट बॉक्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं। उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना कितना बड़ा हिट हो चुका है। वैसे भी सलमान खान बॉलीवुड में प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ना ही कोई न्यूडिटी सीन रहता है, ना ही ऐसा कोई ऑकवर्ड सीन रहता है जो हमें फैमिली के साथ ये फिल्म देखने में हिचकिचाहट हो। गौरतलब है कि सलमान खान लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे हैं। हालांकि कोविड के बाद उनकी दो फिल्में आई है, अंतिम और पठान, लेकिन इन दोनों में जस्ट एक कैमियो था। अंतिम में सलमान खान का अच्छा खासा रोल था, लेकिन वो भी एक एक्सटेंडेड कैमियो ही कहेंगे। और अब फाइनली किसी का भाई किसी का जान फिल्म ईद पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म को जो डायरेक्शन दिया है वो फरहाद सामजी ने दिया है। बता दें कि फरहाद सामजी पहले भी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों को डायरेक्शन दे चुके हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये गाना और आप कितने एक्साइटेड इस फिल्मों को लेकर हमें जरूर बताएं। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मारामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नैया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे, लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो, लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारे मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नैया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटम का हिंदी रिमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है, उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था, तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे। और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्ट्रेस साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं, समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। पठान के बाद आधे साल में ही बॉलीवुड को मालामाल करेगी ये फिल्में, लगेगी इंडस्ट्री की नया पार। शाहरुख खान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौटे लेकिन उन्होंने आते ही बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। किंग खान की फिल्म पठान ने एडवांस बुकिंग में ही 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 25 जनवरी को जैसे ही फिल्म थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। आपको बता दें कि शाहरुख खान की लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र की तरह शाहरुख खान की पठान के लिए भी बाय गॉड ट्रेंड चल रहा था। इसके बावजूद फिल्म अपना मार्ग छोड़ने में कामयाब हुई और दुनिया भर में फिल्म को सराहा गया। 2022 भले ही बॉलीवुड के लिए संघर्ष से भरपूर रहा हो लेकिन 2023 में आधे साल में इंडस्ट्री के दोबारा मालामाल होने की संभावनाएं है। जनवरी के बाद अब फरवरी से लेकर जून तक आधे साल में कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली है जो बॉलीवुड की नया पार लगा देगी। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं लिस्ट में। शहजादा पठान के बाद अब जल्दी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म अल्ला वेंकटम पुरमवला का हिंदी रिमेक है। शहजादा में कृतिक सेनन और कार्तिक मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म से कार्तिक बतौर प्रोड्यूसर अपना डेब्यू कर रहे हैं। बीते साल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 ने काफी धमाल मचाया था। उसके बाद जिस तरह से फैन फॉलोइंग बढ़ी है उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहजादा भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होगी। तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी फैंस को पर्दे पर देखने को मिलेगी। श्रद्धा कपूर और रणबीर का नाम सुनते ही फैंस दोनों को साथ में देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर आया तो लोग बेसब्र हो गए। जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर ये लगता है कि 8 मार्च को रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करेगी। किसी का भाई किसी की जान पठान के साथ जब सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर अटैच किया गया था तो फैंस दबंग खान के ये अलग अवतार देखकर खुशी से झूम उठे थे। हर साल अपने फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान इस साल भी ईद के मौके पर धमाका करने वाले है।
सलमान खान की फिल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में एक्साइटमेंट दिख रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर पठान की तरह ही बड़ा धमाका करेगी। ये फिल्म 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जवान 4 साल बाद स्क्रीन पर लौट शाहरुख खान ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराशा नहीं किया। उनकी फिल्म पठान की टिकट के लिए थिएटर में भीड़ लगी हुई है। अब पठान के बाद बादशाह शाहरुख खान आधे साल में ही अपने फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज देंगे और वह जवान के साथ 2 जून 2023 को फिर लौटेंगे। पठान की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख खान अलग अवतार में दिखेंगे। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। शाहरुख खान के साथ फिल्म में नए तारा नजर आएगी। आदि पुरुष शाहरुख खान ही नहीं बल्कि जून के महीने में प्रभास भी अपने फैंस को आदि पुरुष के साथ सरप्राइज देंगे। इस फिल्म का जब टीजर आया था तो उस समय सैफ अली खान के लुक को लेकर काफी आलोचना की गई थी। ये फिल्म पहले इस साल जनवरी में रिलीज होने वाली थी। लोगों का टीजर पर रिस्पॉन्स देखकर मेकर्स ने VFX में सुधार करने का निर्णय लिया और अब प्रभास की ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन माता सीता के किरदार में दिखेगी। सैफ अली खान फिल्म में रावण है। पठान के बाद आए भाईजान, एक्शन की भरमार कहानी लापता। सलमान खान के फैंस के लिए आज का दिन बेहद ही स्पेशल हो गया है। हो भी क्यों ना, आखिर भाईजान ने अपनी मंच अवेडेंट फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर रिलीज कर दिया है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस टीजर में भाईजान के कई सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे बाल, ब्लैक लेदर जैकेट और अपने लकी चार्म ब्लू ब्रेसलेट को फ्लॉन्ट करते हुए भाईजान पहले तो बाइक चलाते दिख रहे हैं, फिर लुंगी पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इनका एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है और एक्शन ऐसा कि साउथ सिनेमा के इस कल्चर को भी फेल करे। और आखिर में पूजा हेगड़े संग रोमांस का भी एक एंगल इसमें डाला गया है। मेरा कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान के नाम से जाना जाता हूँ, बस इसी डायलॉग पर पूजा हेगड़े फिल्म के टीजर में सलमान खान पर फिदा होती नजर आ रही है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान का जो इस फिल्म में लंबे बालों वाला लुक है वो शायद अब यंगस्टर के बीच हिट होने वाला है। टीजर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिस तरह से पहला सीन दूसरे सीन से अलग दिख रहा है तो यह देखकर फैंस थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर सलमान अपनी इस फिल्म से किस तरह की कहानी को दिखाना चाहते हैं। हालांकि भाईजान के फैंस के लिए उनकी कोई भी फिल्म आना किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता। फैंस तो सलमान खान की फिल्म के टीजर को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। सोने पर सुहागा फिल्म में शहनाज गिल और पलक तिवारी दोनों एक्ट्रेस साउथ के ट्रेडिशनल गेटअप में नजर आ रही है। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और सलमान खान के साथ स्वैग जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ निगम भी भाईजान की इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सभी का रोल लगता है खूब बड़ा होने वाला है। सलमान खान की इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रोल भी होने वाला है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि भाईजान फिल्म रिलीज से पहले जो ट्रेलर रिलीज करेंगे शायद उनमें किंग खान को स्पॉट किया जाए। वैसे भाईजान की इस बात का मजा कुछ लोग उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाईजान को पठान की जरूरत पड़ेगी। वही कुछ का तो टीजर देखकर ये कहना है कि भाईजान दिल में आते हैं, समझ में नहीं, इसलिए शायद फिल्म का ये टीजर हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भाईजान इसमें करना क्या चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब तक डेट तो सामने नहीं आई है कि थिएटर में भाईजान कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने बता दिया है कि अपने फैंस को वो बिना ईदी दिए नहीं रहेंगे। फिल्म को फराज सामजी ने डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूस सलमान खान के बैनर तले हुई है। कश्मीर की वादियों में एक दूजे के प्यार में डूबे नजर आएंगे सलमान खान पूजा हेगड़े। जाने कब होगा फिल्म किसी का भाई किसी की जान के इस सॉन्ग का धमाका। इन दिनों सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। बीते 25 जनवरी को सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर बड़े पर्दे पर रिलीज किया था, वह भी शाहरुख खान के साथ। जैसे ही ये टीजर पर्दे पर देखा गया, लोग चिल्लाहट के साथ सीटी तालियों से इस फिल्म के टीजर का स्वागत किया। लोगों को इस फिल्म के टीजर में देखने को मिला सलमान का लुक बेहद ही पसंद आया है। लंबे बालों में सलमान खान बेहतरीन लुक में देखने को मिले हैं। वैसे दोस्तों बता दें कि सलमान खान इस टीजर में 3 लुक में नजर आए, एक डैशिंग और हैंडसम शूट में, सेकंड लंबे बालों में और थर्ड साउथ इंडियन लुक में, और ये तीनों ही लुक में सलमान काफी जचते नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इस टीजर के रिलीज के बाद फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग से जुड़ी बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग जल्द रिलीज किया जाएगा। इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले हम इस सॉन्ग के बारे में जाने तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है जिसमें आपको पूजा हेगड़े और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस सॉन्ग की शूटिंग कश्मीर के वादियों
वादियों में की गई है, जहां सलमान और पूजा एक साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें सॉन्ग के रिलीज को लेकर, तो सॉन्ग के रिलीज को लेकर बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग को फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद ही रिलीज किया जाएगा और ट्रेलर के बाद रिलीज होने वाला ये फर्स्ट सॉन्ग होगा। दोस्तों कहानी काफी मजबूत बताई जा रही है और इस फिल्म में आपको एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, जिसकी झलक आपने टीजर में ही देख ली होगी। वैसे दोस्तों बता दें कि इस टीजर की रिलीज के बाद कई कैरेक्टर ऐसे नजर आए हैं जिसे जानने के बाद लोग अपने अजम्पशन लगा रहे हैं, जैसे पूजा हेगड़े का। वैसे आप जानते होंगे कि इस फिल्म में साउथ एक्टर वेंकटेश भी देखने को मिलेंगे, तो अब बताया जा रहा है कि वेंकटेश इस फिल्म में पूजा हेगड़े के भाई का किरदार निभाएंगे। वही इस फिल्म में सलमान की हीरोइन रह चुकी भूमिका चावला भी नजर आएंगी, जो वेंकटेश की पत्नी का किरदार निभा सकती है। अब देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है, लेकिन सलमान और पूजा के बीच की केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब है। अब बात करें इस फिल्म के रिलीज को लेकर, तो यह फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट फरहत सामजी ने किया है। फिल्म में सलमान खान और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। वही वेंकटेश, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम और शहनाज गिल जैसे कलाकार भी इस फिल्म में मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फिल्म के फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से आई बड़ी खुशखबरी, जाने फिल्म को लेकर क्या है नई अपडेट। लगातार सलमान खान के बर्थडे के बाद फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर बातें हो रही हैं। फैंस को इस फिल्म से जुड़े कई सारे सवाल हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि सलमान के बर्थडे के मौके पर वह ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान से सलमान कुछ रिलीज करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज हम इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर सलमान ने अपने बर्थडे के दिन फिल्म किसी का भाई किसी की जान से क्यों कुछ रिलीज नहीं किया और क्या है फिल्म से जुड़ी नई अपडेट। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अगले साल सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 में नजर आएंगे और उनका एक छोटा सा कैमियो फिल्म पठान में भी है, तो वो फिल्म पठान में भी देखने को मिलेंगे जो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। लेकिन अब हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है, जिसे अब जल्द पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म की शूटिंग जनवरी की अंत तक पूरी हो जाएगी, यानी कि फिल्म का शूटिंग पोर्शन कम्प्लीटली हो जाएगा और बाकी का जो काम रहेगा वो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा, जिसे जनवरी के एंड के बाद शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यही वजह रही थी कि सलमान खान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपने बर्थडे के मौके पर कुछ रिलीज नहीं किया। हालांकि हम ये श्योर नहीं है, लेकिन यही वजह हो सकती है। वैसे बता दें कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हमेशा की तरह सलमान खान एक नई जोड़ी के साथ नजर आएंगे और इस बार उनकी अपोजिट होगी पूजा हेगड़े। सलमान की फिल्म में हमेशा से रहा है कि जब भी वो कोई नई फिल्म करते हैं उनकी फिल्म में कोई नई एक्ट्रेस होती है जिसके साथ उन्होंने पहले कभी काम न किया हो, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि वो पूजा हेगड़े संग नजर आएंगे और यह पहली बार होगा। वैसे बता दी कि पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और वेंकटेश जैसे कलाकार भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो ईद पर रिलीज होने जा रही फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।